मेरा नाम मोहम्मद फैज है। नमस्कार, मैं प्रांजल विश्वास। हाय, मेरा नाम चैतन्य है। और आप देख रहे हैं सिने स्पीच पर। ओके, सो अभी जो है फ्रेंडशिप डे आने वाला है 30 तारीख को, तो आप लोग पहले जब घर पे रहा करते थे तब आप कैसे सेलिब्रेट करते थे अपनी फ्रेंडशिप? कुछ खास नहीं, जैसे अगर बाहर गए कोई फ्रेंड मिल गया तो कुछ खास नहीं। फ्रेंडशिप डे में ऐसा था कि कहीं बाहर घूमने का छुप छुप के वो भी कहीं भी मिल जाता फ्रेंड, वो बोलता भाई बैंड कहाँ है। नहीं, हमारा और तो मुझे कोई अगर कोई और पहना था तो मैं वही वाला उसको पहनाता था। नहीं, मेरा तो वैसा स्पेशल कुछ नहीं, हम लोग तो वैसे हर दिन साइकिल लेकर घूमते हैं। साइकिल, वाह। तो वही वाली खोई वाली? हाँ, मतलब मेरे दोस्त को, मेरा तो नहीं है साइकिल, मैं किसी और के साइकिल में बैठता हूँ तो वो ले जाते हैं। क्योंकि इसका वो खो गया था ना, वो मिल गया। खो गया था, नहीं मैंने दे भी दिया था उनको। तो हम लोग ऐसे ही करते कि थोड़ा मतलब वो कुरकुरे कुरकुरे कुछ ले आते थे तो खाते एक साथ, बस और कुछ स्पेशल। मेरा भी ऐसे, मतलब हम कुछ खास नहीं कुछ नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं है, पर मतलब हम लोग मतलब जो मेरे दोस्त हैं स्कूल के और जो मतलब जो जो कॉलोनी के जो दोस्त हैं उनके साथ मतलब बाहर चले गए, कहीं मतलब पार्टी वार्टी कर ली, वो ऐसे बता के मतलब घर वालों को बता के कि मतलब खेलने जा रहे हैं, तो ऐसे कहीं पार्टी वार्टी इतनी कोई बड़ी नहीं, मतलब जाके कुछ खा लिया, कुरकुरे ही होता है, कुरकुरे मतलब बर्गर वर्गर खा लिया, बिस्कुट वैसा, इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं था, पर गार्डन में झूले झूल के आते हैं। हाँ, मतलब घूमते थे इधर उधर खेलने का बोल के। ओके, सो अभी जो है फेस्टिवल का मंथ आने आ रहा है, तो आप लोगों का कौन सा सबसे फेवरेट फेस्टिवल? सारी फेवरेट है, क्योंकि सब में ही अपने लोग आते हैं, सब मिठाइयाँ देते हैं, पैसे देते नहीं, हैं। मेरा तो मेरा फेवरेट है मेरा दुर्गा पूजा, क्योंकि बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत बढ़िया तरीके से होता है। दुर्गा पूजा नवरात्रि भी उसी टाइम पे होते हैं ना? हाँ, उसके बाद होता है। हाँ, तो दुर्गा पूजा हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब नए कपड़े खरीदना और मतलब घूमने जाना, मतलब घर पे भी सब आते हैं जो दूर रहते हैं ना, तो हमारे उधर आते हैं कि देखने कितने बढ़िया होता है, इतना अच्छा लगता है। मेरा तो ऐसे है कि फेवरेट कुछ एक नहीं, क्योंकि मैं तो सारे ही त्यौहार जो होते हैं सब सेलिब्रेट करता हूँ, दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि और ईद वगैरह सब सेलिब्रेट करता हूँ, तो मज़ा सब में ही आता है, क्योंकि फेस्टिवल है उसका मज़ा नहीं लेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा सब। और दिवाली पे बम फोड़ते हैं, इस टाइम में ना थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा कम होता है तो अच्छा लगता है। दिवाली पे स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं इस टाइम पे फेस्टिवल। दिवाली पे हम पटाखे वटाखे फोड़ते हैं और होली पर हमको स्पेशल मिलते हैं, क्योंकि बंगाली में ना दुर्गा पूजा बहुत बड़ा है, तो पूरे एक महीने का छुट्टी मिलता है। होली पर गुलाल से खेलते हैं और गणेश चतुर्थी पे तो मैं गणेश पूजा भी करता हूँ मूर्ति पे लगाकर, और महाशिवरात्रि पे शिव जी को भी पूजा करता हूँ उनकी, मैं उपवास। और क्रिसमस पे तो हम सभी इंजॉय करते हैं ना स्कूलों की वजह से, पर्सनली भी करते हैं। नहीं, मेरे तो पास मेरा एक दोस्त है सामने रहता है, वो क्रिश्चियन है, तो उनके वो देखता हूँ ना जबकि लोग आते हैं और इतना म्यूजिक वगैरह करते हैं घूम घूम के, तो बड़ा नहीं, मजा वो आता है। वो होता है ना कि छोटा छोटा पेड़ मिलता है, वही हम लोग मतलब हम लोग ना, मैं तो अभी भी मोजे लगाता हूं भाई। नहीं, हम लोग का थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि बनाएंगे, फिर हम लोग बना के रखते हैं, फिर उसी दिन ये खराब हो जाता है। मेरी एक रियली विश है, मैं जब ऐसे कुछ भी देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे या कहीं भी देख देख के बनाना, तो हेलोवीन जैसा एक त्यौहार मुझे चाहिए कि इंडिया में भी बनाया जाए। ये भी बात है, काफी लोग करते हैं, पर ऐसा होना चाहिए कि पर्टिकुलर जैसे दिवाली भी होती है तो हेलोवीन भी होना चाहिए कि कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहने, मजा आता है, चॉकलेट मांगो लोगों के घर पे जाके। मेरा मतलब एक फेवरेट तो नहीं है, पर मेरे को ये दो फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बाकी तो सब मैं गणेश चतुर्थी भी मनाता हूँ, मेरे को दिवाली और होली ये दो बहुत ज़्यादा पसंद है। दिवाली पे मतलब पहले ना एक मेरे को पटाखे फोड़ने की वो रहती है, तो मैं पहले मतलब पूजा करते हैं हम लोग, तो पूजा करके उसके बाद ऊपर छत पे जाते हैं तो इतने सारे पटाखे मतलब फोड़ते हैं, फिर पहले पूजा करके मेरे को एक्साइटमेंट सी रहती है, मैं जाऊँगा ऊपर फिर फोड़ूंगा, फिर पूजा करके मैं ऊपर जाके फोड़ता हूँ। होली मेरा फेवरेट है, सबसे सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा होली है। इसी बात पर कहना चाहूँगा, कोरोना गो, कोरोना गोबा। होली है, होली नहीं खेलने देते ना इतना अच्छे से आप लोग। नहीं, अब ऐसा होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा ना, मैं जिधर रहता हूँ वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, मेरा नाना के घर जो होता है ना वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर अलग दिन पे बनता है, मतलब उधर दो दिन मिलता है, और हमारे इधर मैं एक दिन खेल के जाता हूँ, उधर जाके दो दिन खेलता हूँ, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ होली पे। सेम सेम, दिवाली तो हम पता नहीं 20-30 दिन तो बम ही फोड़ते रहते हैं हम। हम चार लोगों की जोड़ी हम लोगों की, जैसे मैं हूँ, ये है प्रांजल है, सोएब है, और हम लोग साथ में ही रहते ज़्यादातर, और
मस्ती करते हैं बहुत सारी मतलब अल्टीमेटली अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल। हम जब नए नए आए थे तो हमें तो बोला गया था भाई बहुत मस्ती कर रहे हो मत करो। हाँ मतलब तो आप लोग जो है एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी रहोगे, तो चलिए टेस्ट करते हैं आप लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं। ठीक है बस वाह टेस्ट। इसी का वेट नहीं था मुझे क्योंकि ऐसा कुछ हो जो मैं भी नहीं जानता हूँ मेरे बारे में तो फिर क्या करूँगा। कोई नहीं इतना हार्ड नहीं इतना। ओके ओके सिंपल वाले। हाँ ओके सो पहले फेवरेट सॉन्ग जो होगा। फेवरेट सॉन्ग हम सबका मोस्टली तो वही होगा निंदिया। क्या बात है ना? इसका एक वो है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट भी हाँ बट निंदिया मेरा निंदिया। इसका पर मेरा बंगाल है ये लोग नहीं जानते मैं। हाँ मेरा एक जानते हैं ये जानते वो अरिजीत सिंह वाला ना। हाँ मुझे पता है मैं मेरे गाना है रिया मेरा फेवरेट गाना है। कौन सा? रिया उसका नाम है रिया और उसका बंगाली वर्जन भी है मुक्त कर दो तो वो मुक्त कर दो बहुत बढ़िया लगता है। और मेरा फेवरेट गाना तो जैसे आप सबको मैं बता देता हूँ ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है मुझे। हाँ पर्टिकुलर नहीं होता जैसे मेरा फोक भी है। प्लेलिस्ट अगर मैं आपको अभी भी निकाल कर दिखा सकता हूँ कि उसमें 75 सॉन्ग्स है फिलहाल मैं उसमें ऐड करता रहता हूँ कि फेवरेट ऐसे लिखा है मैंने। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे अभी कोक स्टूडियो का एक गाना आया था ठगियाँ तो मेरे को वो भी बहुत पसंद था आया था नए नए और मुस्कुराहट और ये तो सिर्फ निंदिया पसुड़ी सुनता रहता है। पसुड़ी नहीं उससे भी ज़्यादा निंदिया बेस्ट। ब्लैक व्हाइट दूसरे के बारे में बता रहा है खुद क्यों बता रहा। अच्छा इसका बताऊं इसका ब्लैक ही है। एक और है रेड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट सेम है यार। बोल मेरा क्या है बोल। नील शांति प्रतीक होता है और रेड कलर कहते हैं इसलिए मैंने व्हाइट फर्स्ट है और ब्लैक सेकंड और पीला वाला यानी कि जॉय हैप्पीनेस हैप्पीनेस का कलर होता है। और मुझे मतलब येलो असल में मुझे अगर मैं पहनता हूँ तो अच्छा लगता है येलो तो येलो भी पसंद है पर क्या ज्यादा इस पे सूट करता है। हां सूट करता है। ओके फेवरेट फूड कौन सा है? भाई फंस गए क्या? नहीं मैं तो नहीं फंसा। मैं भी नहीं फंसा। एक सेकंड मैकडी डोमिनोज फूड। अच्छा माछ भात खत्म बात। कोलकाता बिरयानी एकदम नहीं उससे ज्यादा ये पहले ना जैसे तड़पता था ना माछ भात के लिए। माछ देखो क्योंकि है ना फेवरेट फूड एक अलग है और हमारा रेगुलर फूड है माछ। हम लोग मतलब हफ्ते में 6 दिन खाते हैं मछली 6 दिन या 5 दिन खाते हैं 1 दिन सिर्फ मतलब वेज खाते हैं और 1 दिन चिकन वगैरह। मेरा बताओ चलो मेरा बताओ तेरा। इसका तो कुछ चटपटा रहेगा क्योंकि ना यार ये बड़ा ही खतरनाक है ये पता नहीं क्या क्या खाता रहता है। क्या क्या मतलब हर बार अलग अलग चीजें मस्त चीजें डिस्कवर करता है। नहीं ये ना ये बहुत अच्छा सजेस्ट करता है बहुत। मैंने इसको बहुत सारी चीजें बोलता भाई क्योंकि मैं तो मतलब जिधर रहता उधर वैसा वाला खाना तो मैं नहीं खाता ज्यादा तो इसलिए सिखाया मुझे कि मैकडी वगैरह सब मतलब इसलिए सिखाया मस्त खाने पता है इसको खाना खजाना। इसका फेवरेट है मम्मी के हाथ में राजमा। अरे वाह क्या बात है क्या बात चल बता मेरा। ओ तेरा हाथ हुआ है इसका मम्मी के हाथ का एक चीज है मैं भूल गया वो याद है मेरे माथे में से। एक तो इसका जंक फूड फेवरेट है। जंक फूड है कि नहीं है पता बर्गर पिज्जा खाता है। पिज्जा बहुत खाता है ये डोमिनोज खाता था बट इतना खा लिया कि अब नहीं खाता हूं। तो इसके मम्मी के हाथ का कुछ मैं भूल गया। अरे हाँ। याद दिलाऊं चना कुछ ऐसा टाइप। चल चना नहीं चना नहीं रुक थोड़ा सा हिंट दे थोड़ा। देखो सबसे पहली बात तो कि राजस्थान में बहुत फेमस है दाल ढोकली तो मम्मा के हाथ की सबसे ज्यादा तो दाल ढोकली पसंद है। और सब्जी में एक थी पालक से रिलेटेड बताओ पालक पनीर करेक्ट पालक पनीर। ओके सो एक हिडन टैलेंट जो आप लोगों ने सेट डे शूट के दौरान और लाइक आप मतलब रहते हैं इसलिए इसका है आर्ट। हाँ इसका आर्ट वर्क इसका बहुत कमाल है अमेजिंग है खतरनाक है मतलब तुरंत बना देगा आप कार्टून बना देगा कार्टून स्केच वगैरह सारे हर तरह के आर्ट आप जैसे दिखते हो ना सेम वैसा बना देगा।
देख के ये बहुत लेट डिस्कवर किया हमने जब पवनदीप भैया का बर्थडे था तब हमें पता चला था तो इसने पहले पवनदीप भैया के मतलब स्केच बनाया था एक तरीके है तो इसमें देखो मतलब टैलेंट तो भरा पड़ा है टैलेंट तो बहुत बड़ा पड़ा है और इसका एक मैं बोलूं कि ये मतलब ये खुलता नहीं पर ये ना कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा बनाया है मुझे ही सुनाया सिर्फ अभी तक पर वो ऑफिशियली ये लॉन्च करेगा और मैं भी बोला हूँ कि मैं उसमें मतलब म्यूजिक दूंगा और ये और इसमें इसमें भी है बहुत रिंडलेंड ये बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और ये भी कंपोज करते हैं हाँ वो हिडन नहीं है पर ये बहुत अच्छा कंपोज भी करते हैं ये भी म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग और जैसे कंपोजिशन होता है तो तुरंत दिमाग में आ जाती कुछ भी तो बना लेते हैं हम तीन अगर चार मिल गए तो पता नहीं मजा आ जाएगा गाना पे गाने एल्बम बना देंगे मैं इन दोनों को दूंगा दुआएं ये हो गया ना इको फ्रेंडली गिफ्ट जिसमें जेब भरी पड़ी रहेगी और किसी के पास कुछ भी नहीं जाएगा दुआएं से मतलब बस वो दुआएं लग जाएगी दुआएं तो दुआएं दुआएं मिलेंगे तो जिंदगी में कुछ करेंगे तो मैं इनको गिफ्ट देना चाहता हूँ मेरी तरफ से दुआएं अरे ऐसी चीज जो कोई चीज हाँ नॉन लिविंग थिंग भाई दुआ भी नॉन लिविंग नहीं लिविंग नहीं मैं देना चाहता हूँ मैं बोलता हूँ मैं चेतन को देना चाहता हूँ चेतन ने मतलब इधर आके मेरे पास यूकुलेले था तो इसने सीख लिया तो मतलब सीख रहा है ये तो मैं यूकुलेले देना चाहता हूँ एक इसको कब देगा दूंगा भाई गारंटी दूंगा गारंटी देगा ये तुझे और यूकुलेले नहीं देगा नहीं नहीं यूकुलेले दूंगा गारंटी पक्का चल बता मेरे को क्या पक्का ये इंस्टाग्राम में स्टोरी डालेगा ठीक है फिर विश्वास होगा इसको भी इंस्टाग्राम में दिखता हो ये मेरा नाम लेता है नहीं इसने सिखाया मुझे सच्ची बात नहीं मैंने मैंने इसको वो नहीं सिखाया मैंने इसको सिखाया वो म्यूजिशियन बैंड वगैरह और वो बायो वगैरह कैसे सेट करते हैं जो भी हो ये फैज को मैं देना चाहता हूँ इसके पास है तो सब कुछ तो क्या दूं मेरे पास कुछ नहीं है उसके पास इंस्ट्रूमेंट तो हाँ सभी है इसलिए एक्चुअली मेरे पास एक मीडी कीबोर्ड है तो उसमें ऑल ओवर सभी आ जाता है अच्छा मैं एक चीज देना चाहता हूँ जो इसको मिलेगा नहीं वो है उधर का एक दोतारा वाह ये हो गई कमाल बात हो गई मैं सीखूंगा घर में जाके मतलब उसके लिए थोड़ा छोटा करके मतलब कस्टमाइज करके बनाऊंगा मैं सच में वाह क्या बात साइन करना अपना उसको अब मैं बताता हूँ कि मैं इन दोनों को क्या दूंगा प्यार वाला दुआ है नहीं भाई ये मैं ये नहीं मैं तो ये तो तुम्हारे साथ है यार देखो तुम लोग भाई हो वो तो साथ है साथ मैं भी बाद में बताऊंगा क्या दूंगा प्रांजल को एक सीधा बैठना सोचने दे तो चैतन्य को तो क्या ही दूंगा यार क्या ही दूंगा यार अभी तो एक झप्पी दे दूंगा पर ऐसे नहीं है मजाक कर रहा हूँ मैं दूंगा क्योंकि इनसे पूछ के नहीं दूंगा क्योंकि दिल से दी हुई चीज ही अच्छी रहती है जो सरप्राइज रहता है ना वो बहुत अच्छी होती है जैसे कि मुझे अभी पता लगा कि ये कॉम्पोजिशन करता है इसने मुझे टूलिप में बताया था एक बार होटल में पर एक ही बताया था उसने एक की पर वो जो क्या कमाल था कमाल था पंजाबी में पंजाबी में बहुत कमाल है तो मैं इसको ना क्या ही दूं यार टैलेंटेड बंदा है मतलब वो जो मैंने लिखे हैं ना वो कंपोजिशन वो हिंदी पंजाबी मिक्स सेम जैसे आजकल के गाने तो मैंने भी पहले थोड़ा सोच भी रखा है कि कैसा म्यूजिक मतलब मैं सोचा ये कंपोज है इसका लिरिक्स है और मैं सिर्फ बजाऊंगा मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट तबला वाला ना इंडियन मीठा सॉन्ग इंडियन तबला डालेंगे तबला नहीं वो अलग ही बहुत क्यूट है अच्छा क्यूट गाना ना वैसा थोड़ा हाँ मुझे सुनाएगा तब भी मैं भी देखूंगा कुछ तो मैं तो चैतन्य को एक मेरे दोनों के लिए एक विश है कि मैं दोनों को एक ग्रैंड पियानो दूं क्या बात है यार क्या बात चैतन्य दोनों को नहीं तीनों को सूर्य को भी देना चाहता हूँ उसको कीबोर्ड का बहुत शौक है वो बोलता है कि मुझे अरे हाँ नहीं उसको ढोलकी का भी दिन ना कनक करता रहता है चलो मुंह से हो गया पर उसका वो हमेशा यही बोलता है कोई भी उससे पूछता है तो बोलता है कीबोर्ड सीखना है मुझे सिखाओ मैं चल भाई बोल तेरी बारी देना नहीं देना बात की बात है कुछ तो कर दे अरे दे अरे ये बोल रहा है आईफोन हाँ चलो प्रांजल को मैं आईफोन गिफ्ट करना चाहता हूँ जब मैं खुद ले लूंगा उसके बाद मैं इसको गिफ्ट क्या बात है भाई ये जो तूने बात कर रहा हूँ मतलब इसको मैं आईफोन गिफ्ट वैसे ही कर देंगे करूँगा वैसे ही कर देंगे और फैज को
है, इसको क्या गिफ्ट, चल चल मैं क्या गिफ्ट क्या करूं, वेट कर रहा देख के सर। आप भी बता दीजिए सर क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? प्रांजल ने बताया, प्रांजल ने बोल दिया आईफोन। पंजाब की सबसे फेमस चीज बता, पंजाबी ढोल। हाँ फैज को मैं ढोल, इसके पास मतलब बीट वाले इंस्ट्रूमेंट थोड़े से, मतलब एक इसके पास इलेक्ट्रिक ड्रम है और मतलब इसके पास एक ढोलक है शायद, है ना ढोलक है, ढोलक है। और तो मैं इसको पंजाबी ढोल गिफ्ट करना चाहता हूँ, पंजाबी ढोल, पंजाबी ढोल। क्या मजा आएगा ना फिर यार, आईफोन ढोल भाई। मुझे भी ऐसे कुछ देना इंस्ट्रूमेंट वगैरह। पहले तो तूने आईफोन बोला था कान में। चलो गिफ्ट की बात जहाँ तक हो रही है, तो हम लोग तो वैसे भी, मैंने तो अभी हम कुछ दिन पहले ही प्लान कर रहे थे कि अगर अच्छा हो गया हमारा शो के बाद तो हम लोग साथ में एक स्टूडियो खोलेंगे। हाँ एक साथ, तो एक साथ काम करेंगे। नहीं तो हम लोग मतलब ऐसे तो ऐसे दूर से भी कोलैबोरेशन कर ही सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर तो होते ही ऐसे हैं। सारे गाने गा चुके ना, बाकी बॉलीवुड खत्म कर दिया हमने, बट जितने गाने लोगों ने सुने हुए हैं ना वो वाले, अब अपन को जो पता है वो सुने नहीं होंगे। देख मैं बोलता हूँ वो ये दोस्त सबसे बोल ही रहा हूँ, हाँ भाई क्या बोल रहा था? नहीं वो वाला ना हमने बोला है सिर्फ, पर गाया नहीं, ये दोस्ती वाला, ये दोस्ती, ये बंधन गाया था हमने तो। सारे गाने मैं ही सजेस्ट कर रहा हूँ तुमको हर बार। ए भाई ये प्रत्युष का आइडिया था क्या? वो प्रत्युष तो आए नहीं बीच में। नहीं तुझे उसी की याद आई होगी। उसने इस घर इस वाले गाने में ना घर कर लिया है। तू ही तो जन्नत मेरी। वाह। अरे ऑब्जर्वेशन। आंटी जी को फोन मिला हूँ अभी। आंटी जी खुश हुए थे, मैंने उनके सामने किया था। आंटी वो वाले नहीं, तेरे मम्मा। कर मिलाऊं फोन? वो भी खुशी होंगे क्या पता। अच्छा प्रत्युष की भी मैंने ऑब्जर्वेशन जैसे की, जैसे सबकी करता हूँ वैसे, तो सॉरी प्रत्युष मेरे भाई। हाँ। तू ही तो जन्नत मेरी गाथा है। चलो इधर ही है वो, सॉरी बोल के आ जा माइक मुझे दे। 1 2 3 तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं।